अस्सलाम वालेकुम, क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 2 है, पेज नंबर 71 है। आज लोग का मेजर क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि 9th साइंस और 9th आर्ट्स दोनों को लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह का आता है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपकी बुक में अवेलेबल है, जिस पैटर्न से करवाऊंगा सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न से होंगे, और दो जगह डिफरेंस आना है, उसका हमने ध्यान रखना है, ठीक है। आए सबसे पहले इसको हम लेट करते हैं, किसके बराबर है जी, एक्स के बराबर है, किसके बराबर है, इसका हम क्या ले रहे हैं अब, लॉग, क्या ले रहे हैं, लॉग ले लिया, तो लॉग क्या करेंगे, यहाँ भी लेंगे हम, क्या लेंगे, ठीक है जी। जब लॉग लेते हैं ना तो ये स्क्वेयर रूट या क्यूब रूट को खत्म करके पावर में ले गया, मैं क्या किया, पावर में ले गया, लॉग का रूल है पावर क्या होती है, लॉग से पहले आ जाती है, ब्रैकेट क्यों लगाई कि सबके साथ है। अब लॉग इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे, और लॉग 0.07921 मल्टीप्लाई तो क्या आता है, प्लस आता है, क्या आता है, लॉग 18.99 के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड है, आगे जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ, दो चीज़ें हैं तो ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि आसानी रहेगी, बड़ी ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, अब आएगा लॉग 5.79 raised to power 4 मल्टीप्लाई है तो प्लस, पहली गलती यहाँ पे होती है बच्चों की, ठीक है जी। बाहर क्या आना आपके 1/3, बाहर क्या आएगा, शाबाश, ये 1/3 हम इस्तेमाल कर चुके हैं, दोबारा नहीं आएगा, अब ये मल्टीप्लाई होगा, लॉग इसका प्लस लॉग इसका, डिवाइड है तो माइनस, दो चीज़ें अंदर है तो ब्रैकेट में डाल दी, मल्टीप्लाई तो अगेन प्लस हो गया, क्लियर है। अब क्या होगा, अगेन लॉग एक्स 1/3 एज इट इज, इन सब के क्या लेंगे हम, लॉग, उससे पहले पावर शिफ्ट कर लेते हैं, क्या कर देते हैं, इसकी पावर नहीं है, ऐसे ही लिख दिया, 2 आगे आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया, 4 आगे आ गया, लॉग 5.79 आ गया, प्लस आ गया, और लॉग 0.9474 और क्या आ गई, ब्रैकेट, कोई इतराज तो फरमा दें, मैडम समझ आई कुछ कि नहीं आई, ये अब आ गया लॉग, अगेन लॉग एक्स 1/3 एज इट इज, इसका लॉग लेने के लिए क्या करेंगे, एक जंप और एक दो जंप करनी पड़ेगी, इधर जाएंगे तो माइनस होता है, मतलब पिछला भी रिवाइज हो रहा है, तो माइनस 2 पहले डाल दिया और आगे ब्रैकेट लगा ली, बाद में लॉग निकालेंगे, प्लस 2 जंप यहाँ से यहाँ होनी है तो 1 ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, ताकि लॉग में एक दफ़ा ही इकट्ठे निकाल लूँ कंप्यूटर पे, पहले उनकी बेस तैयार कर ली है, ठीक है सर। ये माइनस 4 आ गया, पॉइंट अपनी जगह पर ही है तो 0 something में आएगा, ये ब्रैकेट लगा दी मैंने, प्लस आगे नहीं, यहाँ जगह ली, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अब लॉग ले ली है ना मैंने, अभी लेने हैं, मतलब मैंने काम लॉग वाला कर दिया है, तो लॉग का साइन दोबारा नहीं लिख रहा, साथ लॉग साथ नहीं लिख रहा, पॉइंट अपनी असली जगह पे नहीं है, यहाँ से वहाँ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 पॉइंट, कुछ बात समझ आई कि नहीं आई, ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट क्या हो गई, बंद हो गई, या तो कैलकुलेटर पे निकाल लो अब या टेबल पे निकाल लो, बताया था 4 वैल्यू चाहिए, 79 को 2 के बाद में देखना है, बताया था 4 वैल्यू देखनी है, लॉग के टेबल पे देखनी है, 79 को 2 के बाद में देखना है, या लॉग का मैंने पॉइंट शिफ्ट कर दिया है, कहाँ शिफ्ट किया है, तो हमने कैलकुलेटर पे क्या लिखना है, लॉग का बटन दबाना है, 7.921 लिखना है, क्योंकि मैं पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर चुका हूँ, इसका मतलब मैं शिफ्ट कर गया हूँ,
देखिए लॉग 7.921 कितना आता है, एक बंदा बोले 8988 राउंड करके 89, अगला क्या होगा लॉग पॉइंट, यहाँ शिफ्ट किया तो लॉग 1.899, लॉग 1.8, यहाँ तक कोई नई चीज़ की अभी तक हमने 2785, ठीक है जी, इस पर कोई मूवमेंट नहीं थी तो लॉग 5.79, 7.7627, लॉग 9.474, क्या अच्छा 7626, और यहां पे क्या आएगा लॉग 9.47 पॉइंट 9765। इसमें कोई इतराज है नहीं, बोल रहे आप यहाँ तक कोई नया काम नहीं किया, जो लेक्चर जितने लेक्चर लिए ऐसा ही काम किया, और हर क्वेश्चन में जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन हो यही काम होना। डन हो गया, पहले पॉइंट शिफ्ट करने हैं, बैकेट से लाके ऐसे उतारनी वैल्यूज। अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो पहले मल्टीप्लाई कर लें, ताकि बारी बारी खोलते रहेंगे आसानी रहेगी हमें। 1/3 है ना, वैसे ही रह गया -2.8988 वैसे ही रह गया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दे 1.2785 को 2 से, 1.2785 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2.557। आगे क्या है माइनस, यहाँ एक गलती कर गए हम, क्या ये ब्रैकेट थी बाहर माइनस था, ब्रैकेट खत्म की तो माइनस प्लस करो, माइनस थोड़ा अपने आपको होश में रख लिया करो जी। यहाँ पे कह रहे हैं आप एट सिक्स आना चाहिए, फाइव ठीक है, फाइव के बाद टू आ रहा है, टू को राउंड नहीं कर सकते ना हम। अभी मैंने कह रहा बुक के मेथड पे ना जाओ, फिर बुक पे जा रहे हो आप, मैं कहा आप वर्किंग कर रहे हो, वर्किंग करो बेटा, अपनी एफर्ट करो आप, इसका लोग लोगों को समझ आ जाएगी, और एक आधे पॉइंट से फर्क भी कोई नहीं पड़ता है, तैयार अच्छी है वैसे। यहाँ तक किधर हो गया सारा, एक और एक दो हो गए, अगला फोर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का साइन है, 0.7627 × 4, दिस इज -3.0508। डन है, ये नेगेटिव है, -1.9765। -1.9765 कोई मसला है तो बोल दें, कोई इतराज है जी, नजर नहीं आ रहा तो एडजस्ट कर लें आप। आगे किधर हो गया, ये किधर है सारा कि नहीं, इस माइनस में और इस माइनस में फर्क है, ये माइनस है लॉग की वजह से, इसके ऊपर डाला हुआ जो, ये माइनस है सॉल्यूशन की वजह से। अब देखें क्या होगा, अब लॉग का एक रूल लगा लगा यहाँ पे मैं, जब भी लॉग का माइनस होगा ना, इस टुकड़े दो टुकड़े करेंगे, -2 + 0.8988, बात समझ आई कि नहीं आई, ये वैसे ही खुल जाएगा, ये भी वैसे ही रह जाएगा, ये भी वैसे रह जाएगा, यहाँ क्या होगा -1 + 0.9765, कोई इतराज तो बोल दें, ये रूल लगा है, यहाँ पर गलती होनी दोबारा आपकी, जो क्वेश्चन आपको तंग करेगा ना यहाँ तंग करना शुरू करना था, पहले समझ लो ये चीज़, रूल है लॉग का, ये नेगेटिव आ गया तो एक दफ़ा ये इसको नेगेटिव में लिख दिया, दोनों आपस में मिल रहे हैं ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिलाया उन्होंने आपस में, ये पॉजिटिव पार्ट है नेगेटिव पार्ट है, जब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व होगा इसकी वैल्यू बदल जाएगी, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बुक से हट जाएगा आप, ठीक है जी।
अगले के फिर आंसर सेम हो जाएगा आप लोगों का, इसलिए कहा था ध्यान रखना है यहाँ पे हमने। कोई इतराज तो बोल दें। माइनस टू प्लस पॉइंट एट नाइन एट एट माइनस वन पॉइंट वन जीरो वन टू आएगा, देखो चेंज है वहाँ पे। अब माइनस टू प्लस ये किया ही आ गया, अगले पे आए टू पॉइंट फाइव फाइव सेवन आ गया, माइनस थ्री पॉइंट जीरो फाइव जीरो एट आ गया, अगले में क्या आएगा ब्रैकेट में माइनस है, माइनस वन प्लस पॉइंट नाइन सेवन सिक्स फाइव, माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री फाइव। कोई इतराज है? तो यहाँ तो मसला है, एक दफ़ा माइनस लिखा, एक दफ़ा प्लस लिखा, माइनस प्लस लिखा, इन्हें सॉल्व किया भाई, ये दो चेंजिंग है, इसे ब्रैकेट में क्यों डाला कि बाहर माइनस है, अगेन माइनस है, साइन चेंज करना है, क्या करना है, माइनस वन पॉइंट वन जीरो वन टू प्लस टू पॉइंट फाइव फाइव सेवन थ्री पॉइंट जीरो फाइव जीरो एट माइनस माइनस प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री फाइव। कोई इतराज तो बोल दें। अब सॉल्व करें कैलकुलेटर में, सारी वैल्यू इकट्ठी उतार दें अब, कैसे, ऐसे माइनस वन पॉइंट वन जीरो वन टू प्लस टू पॉइंट फाइव फाइव सेवन माइनस थ्री पॉइंट जीरो फाइव जीरो एट प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री फाइव, दिस इज माइनस वन पॉइंट फाइव सेवन वन फाइव आ गया, माइनस प्लस माइनस प्लस ये आ गया आंसर। अब थ्री क्या, डिवाइड को थ्री पे डिवाइड कर दें, माइनस जीरो पॉइंट फाइव टू थ्री एट। आपको याद है क्वेश्चन ने छोड़ा था 3.2 में या किसी में, कह रहे एंड पे जब जाएंगे खुद ही हो जाएगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, लॉग एक्स इक्वल टू समथिंग लिखा होगा, ठीक है। अब मैंने क्या लेना है यहाँ पे, क्यों लेना है, असल में ना मैंने ये लॉग खत्म करना है, जब मैं यहाँ पे एंटी लॉग लूंगा तो लॉग एंटी लॉग से खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ क्या रह जाएगा एंटी लॉग, क्या रह जाएगा, हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे एक दफा माइनस, एक दफा क्या किया था हमने, जो था उसको तोड़ा था यहां से अपने पास से, माइनस जीरो माइनस पॉइंट फाइव टू थ्री एट, कुछ समझ आई, वहां क्या था एक नेगेटिव और एक, यहां पे क्या है, ये पॉइंट समझ आई कि नहीं आई, ये प्लस कहाँ से आया था, ये तो बता रहा हूँ, हमने रूल इस्तेमाल करना है, दोनों नेगेटिव में रख लिए हमने, ठीक है, चली गई, चली गई भाई, कह रहे चली गई। अब क्या होगा, एक दफा प्लस वन करना है और एक दफा माइनस वन, और आगे ऐसे उतार दें, माइनस जीरो माइनस पॉइंट फाइव टू थ्री एट। अभी बात समझ आ रही है मोहतरम, बाहर बाहर में देख लेंगे, ये आ गया, दो टुकड़े कर दिए जी भाई, ये आ गया, ये ऐसे यहाँ उतार दिया, हमेशा माइनस वन प्लस वन करना है एंटी लॉक से पहले, अगर क्वेश्चन पे यहाँ माइनस आ चुका हुआ तो, अगर आप सॉल्व करें थे माइनस आ गया था ना, तो आपने माइनस वन प्लस वन करना है अपना इफेक्ट क्लियर करने के लिए, ये क्लियर है, माइनस माइनस दो ज़्यादा कर दिए, यहाँ आपने एक दफ़ा क्या डालना है प्लस वन, और एक दफ़ा, और ये साथ ऐसे लिख दिया, अगर यहाँ माइनस वन होता तो और बात थी, माइनस टू था तो और बात थी, यहाँ जीरो है तो जीरो ही लगा दिया, डन है, ये चली गई है, माइनस वाले पार्ट माइनस वन और माइनस ही आपस डेसिमल आपस में मिल जाएंगे, पॉइंट वाले एरिया आपस में मिल जाएंगे और ये आपस में मिल जाएंगे, क्या बनेगा, माइनस वन माइनस जीरो क्या होता है, माइनस वन ही होता है। अब कैलकुलेटर पे वन में से ये माइनस कर दें, कोई बात समझ तो नहीं आई, देखो बुक में मिल गया, अब आगे से वहां तक समझ रहे हो, ये सारे फैक्टर खाए बैठे थे अंदर से, जो मैंने एक आपको एक एक क्लियर करके दिया है,
डाउट है भाई जान जीप साहब, माइनस वन माइनस जीरो मिलाया, माइनस वन आ गया, वन में से ये निकाल दिए कि आ गया। अगर यहाँ माइनस टू होता तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाना था, अगर यहाँ माइनस वन होता तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाना था, ठीक है जी। अगर सिंपल वैल्यू होती ना तो मैं सीधा कैलकुलेटर पर देता एंटी लॉग, वो कैसे देते हैं शिफ्ट लॉग, टेन लिखा जाएगा तो एंटी लॉग बन जाता है। लेकिन ये नेगेटिव में तो मैं क्या करूँगा, दो दफ़ा ब्रैकेट लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, ये माइनस वन अंदर भेज दूंगा, 0.4762। ये चीज करनी है आपने, क्या करना है, अब शिफ्ट लॉग कर लिया, टू टाइम ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ये माइनस वन उस ब्रैकेट में डाल के एक दफा ब्रैकेट बंद कर दी। देखिए इस ब्रैकेट के साथ ये ब्रैकेट बंद हो गई, ये ब्रैकेट कहाँ बंद हो रही, यहाँ पे आके, अगर आप बंद नहीं करेंगे फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा आपका। दरमियान में डालना है प्लस का साइन, 0.4762 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज 0.29936 आंसर किया आपका। देखिए जरा आई समझ के नहीं आई, अगर यहाँ नेगेटिव हुआ तो उसकी वजह सारा कुछ होना ही है, माइनस वन प्लस वन, अगर नहीं होगा सीधा ही एंटी लॉग लिख के यहाँ जान छूट जाएगी हमारी। अगर यहाँ नेगेटिव ना होता ना तो सीधा लिखा था मैंने लॉग एंटी शिफ्ट लॉग 0.5238, दिस इज मेरा आंसर था, ये समझ आ गई। नेगेटिव की वजह से ये इफेक्ट डालने पड़ने हैं सारे, समझ आ गई। स्कूल में किया मैं, करवाया नहीं अभी तक आप लोगों को, क्लियर हो गया आपको ये, क्या भाई, थैंक यू।